नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो हेल्दी तड़का में, जहां हम आपको किडनी के मरीजों को दी जाने वाली जरूरी जानकारी देते हैं। ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे कि किडनी के मरीजों के लिए गेहूं के आटे से बनाने वाला इंस्टेंट डोसा बनाने की विधि। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले, जिन्होंने अब तक हमारे बेस्ट किडनी डाइट चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इंस्टेंट डोसा बनाने की विधि। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप सूजी, 1 चम्मच जीरा जिसको आपको भूनकर पीस लेना है, 1/2 चम्मच सेंधा नमक, 1 हरी मिर्च से बना हुआ पेस्ट, हरी मिर्च के बीज निकाल लें, जरूरत के हिसाब से पानी और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बर्तन में सूजी और गेहूं का आटा डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें सेंधा नमक, हरी मिर्च का पेस्ट, जीरा पाउडर डालें, फिर इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लें। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको इस घोल को ज्यादा पतला नहीं करना है और घोल को लगभग 10 मिनट के लिए ढक कर रख दें। इसके बाद आप डोसा बनाने वाले तवे पर स्पैचुला की मदद से तेल लगाकर पूरे तवे पर फैला लें। आप गैस चूल्हा जलाकर इसकी आंच को धीमा करके तेल को गर्म होने दें। इसके बाद आप करछी की मदद से घोल को तवे पर डालकर अच्छे से फैला लें। गैस चूल्हे की आंच को धीमा ही रखें। इसके बाद जब एक तरफ से डोसा पक जाए तो इसको दूसरी तरफ पलट लें और दूसरी तरफ भी पकाएं। लीजिए, आपका बिना दही और बिना बेकिंग सोडा से बना डोसा तैयार है। इसका सेवन किडनी के मरीज भी कर सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अगर आप या आपका कोई अपना किडनी रोग से परेशान है तो आप हमें अपनी समस्या नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में लिखकर भेज सकते हैं। हमारी टीम आपसे 24 घंटे के अंदर खुद संपर्क करेगी। हमारे बेस्ट किडनी डाइट चैनल पर आने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। जी, क्या नाम है आपका? बृजेंद्र सिंह। तो कहाँ से आते हो? डिस्ट्रिक्ट संबत। संबत? संबल। संबल, संबल में कहाँ से? सिंगल से। तो जब आए थे क्या क्या तकलीफ हो रही थी? सांस लेने में प्रॉब्लम थी, उल्टी की भी शिकायत थी और पेन था। अच्छा, ठीक है। अभी कैसे हो? ठीक है सर। कितना टाइम हो गया इलाज शुरू किए हुए? 1.5 साल। डेढ़ साल, ठीक है। सही हो, बढ़िया है। ठीक है।